ये जो रियल टाइम क्लॉक जो लगी हुई है ईवीएम के अंदर, उसके बिना वोट की चोरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं पहले भी बता चुका हूँ वो क्लॉक, रियल टाइम क्लॉक उसमें क्यों है। इलेक्शन कमीशन इसका जवाब जरूर दे। इतना तो आप समझ ही गए होंगे अब जो आदरणीय डीसी कपिल साहब ने खुलासा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रहा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। PEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये BEL बन गया है, बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये बन चुका है। इतने खुलासे के बाद मतलब कुछ रह नहीं गया इसके बाद में। एक सीनियर IAS ऑफिसर जो सेक्टरी लेवल पर, सेक्टरी से ऊपर कुछ नहीं होता IAS में, वो ये खुलासा कर रहा, उसने चिट्ठी लिखी है बाकायदा, जाके देखेंगे आपको सब कुछ नेट पे मिल जाएगा। खैर, एक और बड़ा खुलासा हम लोग करेंगे, या तो 1 तारीख को या 3 तारीख को, जो भी डेट होगी आपको बताएंगे, और बताएंगे कि कितना बड़ा खुलासा है वो, और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी किस तरह से मिले हुए हैं, और इस देश के लोगों के साथ जो यहाँ के मतदाता हैं उनके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, कितना घात कर रहे हैं उनके साथ में, उनकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, वो खुलासा हम करेंगे बाकायदा, आपको सबूतों के साथ करेंगे। और वो सबूत जो खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पड़े हैं, हमारे आप अपना कोई नहीं है, उसी के हैं, आपको बताएंगे सारा सब कुछ। अब मैं जो आना चाहता हूं आपके पास, देखिए हम लोग यहां से कह के तो 3 दिन के लिए गए थे पंजाब, लेकिन हमें 4 दिन वहां रुकना पड़ा, 4 दिन हमारे लगे, और हमने पहले भी कहा था कि पूरा देश खड़ा होगा, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरा देश जब खड़ा होगा, इसमें सबसे पहले खड़े होने वाला अगर कोई प्रदेश होगा जिसमें ईवीएम लेके इलेक्शन कमीशन घुस नहीं पाएगा, वो प्रदेश होगा पंजाब। मैं क्यों कह रहा हूं आपको इस आधार पर कि मैं जब गया यहां से तो पहली मीटिंग पटियाला में एक बहुत मजबूत साथी है जो एडवोकेट है, और बहुत ही लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले साथी हैं, प्रभजीत पाल सिंह, वो हमारी टीम के, जो पंजाब की जो स्टेट की टीम है उसके हमारे कोऑर्डिनेटर, और वहां बहुत बड़ी संख्या में वकील, और साथ में किसान संगठन, जिसमें 2 संगठन बहुत मुख्य रूप से, एक कीर्ति किसान यूनियन, उसके जो लीगल सेल के साथी हैं रमिंदर पटियाला, वो उसमें उपस्थित थे, और एक इन सबको इकट्ठा करने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी वो थे बूटा सिंह सादीपुर, जिनकी अखिल भारतीय किसान यूनियन सादीपुर जो है वो उसमें शामिल थे। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि संयुक्त किसान मोर्चा इसको सपोर्ट करेगा, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बात संयुक्त किसान मोर्चा में रखेंगे कि इस ईवीएम हटाओ मूवमेंट को सपोर्ट करें, लेकिन सादीपुर साहब ने कहा कि मेरी यूनियन तो इनके साथ अभी से ही है, हम पूरी तरह से इनको सपोर्ट करें। उसके बाद जलंधर पहुंचे शाम को, वहां बहुत बड़ी संख्या में एडवोकेट्स, और साथ में एक इंसाफ काउंसिल करके एक बनाई हुई है उन्होंने, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 62 जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हुए हैं, वो वहां पर थे, बहुत जबरदस्त मीटिंग, और वो हमारे साथ पूरी तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उसके बाद हम अगले दिन गए पठानकोट, तो आपने वीडियो देखी भी होंगी, पठानकोट में राजेवाल साहब के जो आदरणीय बलबीर सिंह राजेवाल साहब, जो उनका किसान भारतीय किसान यूनियन है, उसके साथी वहां पर थे, सादीपुर साहब की जो यूनियन है उनके साथी थे, और ट्रैक्टर रैली में हम लोगों ने भाग लिया, और उनका पूरे पठानकोट से जितने भी वो हैं उनका सपोर्ट हमें मिला। उसके बाद हम लोग गुरदासपुर आए, गुरदासपुर में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, और किसान मोर्चा में वो थे, उनका पूरा सपोर्ट हमें मिला है। साथ में गुरदासपुर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वहां पे एक अंबेडकर मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे BSP के भी जो लोग थे, वहां पे भीम आर्मी के भी साथी थे, और इसी तरह से कई ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, वो भी हमारे साथ खुल के साथ आ गए। उसके बाद में हम चंडीगढ़ पहुंचे, तो चंडीगढ़ में जो हमें सपोर्ट मिला है, बहुत ही सम्मानित और एक संस्था है जो ऑल ओवर इंडिया, जिसका
ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें मैक्सिमम रिटायर्ड फौजी हैं। उस संस्था का नाम है केंद्रीय श्री क्रू सिंह सभा। इन्होंने बाकायदा चंडीगढ़ में वहां जहां इनके ऑर्गेनाइजेशन का इनका ऑफिस है वहां पे हमारी मीटिंग कराई और पूरी तरह से इन्होंने हमें सपोर्ट किया। वहीं पे हमें पता लगा कि 28 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग यहां पे होने वाली है चंडीगढ़ में, तो इसलिए हम वहां रुके, लेकिन बाद में पता लगा कि वो शिफ्ट होगी लुधियाना। तो लुधियाना शिफ्ट जब हुई तो हम रास्ते में चंडीगढ़ से लुधियाना जाते हुए आदरणीय बलबीर सिंह राजेवाल साहब, उनका घर है समराला में, हम मिलते हुए समराला में वहां पहुंचे और बहुत ही सम्मान उन्होंने हमारा किया और उन्होंने कहा कि आप लोग देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे बड़ी कोई लड़ाई हो नहीं सकती। और उन्होंने विश्वास दिलाया कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग हो रही है लुधियाना में उसमें प्रस्ताव पास कराएंगे और उन्होंने ये प्रस्ताव पास कराया जो आप देख रहे हैं वहां के म्यूजियम में जो छपा। उनसे मिलने के बाद मैं सीधा वहां गया था जहां पे लुधियाना में मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में सभी जो किसान संगठन के लोग थे सब शामिल थे वहां पे, जो अलग अलग उनके जत्थेबंदी हैं, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और मैंने उनसे साफ कहा जो तीन काले कृषि कानून थे वो भी देश को बचाने के लिए आपने लड़ाई लड़ी और ये उससे बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई में भी आपका साथ हमें चाहिए और अगर आप साथ नहीं देंगे तो देश बचेगा नहीं और आप जितनी भी मीटिंग कर रहे हैं वो भी कुछ हासिल होगा नहीं। अगर ईवीएम नहीं हटी तो मोदी जीत का आएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और मोदी कैसे जीत का आता है बता दिया, बीएल में जब मशीनें वो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर ही वो सब कुछ कर रहे हैं, तो मोदी कैसे जीत का आता है? सीना ठोक के जो कहता है कि एक अकेला सब पे भारी और जो कहता है कि इतनी सीट आएंगे। सो मोदी है तो मुमकिन, हाँ मोदी है तो मुमकिन है बिल्कुल। राज्यपाल साहब ने क्या मतलब न्यूज पेपर ने जो न्यूज छापी है मैं एग्जैक्ट दो तीन लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। राज्यपाल ने कहा कि 16 फरवरी के बंद के बाद 18 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की अगली रणनीति अपनाने के लिए एक और बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में चलाई गई मुहिम की हिमायत करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग न किया जाए क्योंकि इन मशीनों पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। सो इस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। राज्यपाल साहब ने एक और मुझे विश्वास दिलाया, उन्होंने कहा कि जो नेशनल बॉडी की हमारी मीटिंग होगी जिसमें पूरे देश भर के जो है साथी शामिल होंगे हर प्रदेश से अलग अलग, उसमें भी बाकायदा वो हमारे इस आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव पास कराए। तो मैं समझता हूं ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है और इसीलिए मैंने विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि पंजाब पहला प्रदेश होगा जहां घुस नहीं सकेंगे और हमें विश्वास है धीरे धीरे आने वाले समय में चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो आपका, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे गुजरात, इवन यहां जो स्थिति होगी और साथ में बिहार, यहां जो होगा ईवीएम को लेकर घुस नहीं पाएगा इलेक्शन कमीशन, ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार इस आंदोलन में बड़े बड़े संगठन और देश को बचाने वाले जो लोग हैं वो साथी जुड़ते चले जा रहे हैं। अब आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप इलेक्शन कमीशन को जवाब भी नहीं करेंगे? कल करेंगे इलेक्शन, हमने कब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, कल सुबह 11 बजे कर रहे हैं। देखिए और बता दे रहे हैं, न केवल हम कल यानी 31 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का घेराव कर रहे हैं बल्कि हम इसके आगे भी 25 फरवरी को जो इस देश की सबसे बड़ी जड़ है, सारी बीमारियों की जड़ है मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव कर रहे हैं हम 25 फरवरी को और पूरी ताकत से होगा, पूरा देश आएगा उठ के घेराव करने के लिए। तो ऐसा नहीं है इलेक्शन कमीशन कौन है वो तो कुछ भी नहीं, इलेक्शन कमीशन छोड़ो जिसके इशारे पे इलेक्शन कमीशन नाच रहा हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी घेराव करेंगे। इलेक्शन कमीशन तो अभी भी कर रहा है यूपी में अपनी एक गाड़ी लेके जा रहा है चुनाव आयोग की, हाँ मोदी की गारंटी लिखा हुआ है, बिल्कुल मोदी की गारंटी, तो वो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि चुनाव, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ चुनाव आयोग भारतीय चुनाव आयोग नहीं रह गया, भारत चुनाव आयोग नहीं रह गया, जिन वैनों में मशीनें जा रही हैं दिखाने के लिए जो नौटंकी हो रही है 40,000 जो वैन है, अगर उन वैनों पे लिखा है मोदी की गारंटी
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना रह के इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। ये देश के लोगों की सोचनी है कि उस चुनाव में आप हिस्सा लोगे या उन मशीनों में वोट डालोगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है या कहीं तब डालोगे जब बैलेट पेपर से चुनाव हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाए हकीकत में। तो जो इलेक्शन कमीशन की जो स्वतंत्रता है जिसके लिए अनुच्छेद 324 में व्यापक प्रावधान किए गए हैं वो कहां है? तो ये जो बैठे हैं, मैं शब्द इसीलिए इस्तेमाल करता हूं, कड़वे शब्द है लेकिन सच्चे हैं, कि जो बेईमान इलेक्शन कमीशन है